देहरादून में आज इनकम टैक्स की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। छापेमारी की खबर फैसले ही राजधानी में हड़कंप मच गया और इनकम टैक्स की टीम ने बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर भी छापे मारे। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिन ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंची वहां पुलिस के जवान तैनात रहे। खबरों के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों ने बैंकों के खातों को भी खंगाला। तो इनकम टैक्स की टीम ने बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर भी छापे मारा है। कई अधिकारियों के घर पर छापेमारी और छापेमारी के कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे ताकि छापेमारी को सही तरीके से इस टास्क को कंप्लीट किया जा सके। और जिन ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंची वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात रहे। खबरों के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों ने बैंकों के खातों को भी खंगाला। राजधानी देहरादून के कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। एक सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। भाजपा के कद्दावर नेता अनिल गोयल का ये प्रतिष्ठान है और उनके कई प्रतिष्ठान हैं जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी जो हैं वो सुबह से छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। कई दस्तावेजों को टीम ने खंगाला भी है और जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारी इस बारे में कोई अभी तक बयान नहीं दिया है और किसी तरह का बयान देने से भी बच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल गोयल भाजपा के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, जो मेयर पद के यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपनी दावेदारी की थी, साथ में राज्यसभा के लिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और इस तरह से देखें तो उनका जो कद है और जो भाजपा में उनकी अप्रोच है वो बहुत बड़ी है। फिलहाल सुबह से लगातार इस प्रतिष्ठान में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। देखना होगा कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को कौन कौन से दस्तावेज मिलते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद सिंह के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया देहरादून। और देहरादून में इनकम टैक्स की टीम ने बीजेपी नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। राजधानी देहरादून में इनकम टैक्स के अधिकारी जो हैं वो कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर सुबह से छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी के घंटाघर इलाके में भी एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की कार्रवाई की बात कही जा रही है जहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस जवान भी तैनात हैं और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारी अभी इस पूरी जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है उसके बारे में कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि शहर के कई ऐसे प्रतिष्ठान और संस्थान हैं जहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल शाम तक देखना होगा कि आखिर इस छापेमारी में इनकम टैक्स के अधिकारियों को और उनकी टीम को क्या क्या दस्तावेज हाथ लगते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद सिंह के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया देहरादून। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अनुज, देहरादून के किन किन ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है, क्या अपडेट्स हैं? दीपिका, इनकम टैक्स के अधिकारियों की जो छापेमारी की कार्रवाई है पिछले 3 घंटों से लगातार चल रही है। वैसे ये देखा जा रहा है कि राजधानी देहरादून के जो प्रतिष्ठान हैं भाजपा के कद्दावर नेता अनिल गोयल के हैं और उन्हीं के प्रतिष्ठानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण सामने आई हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार इस बात की जानकारी कर्मचारियों से भी ले रहे हैं कि आखिर जो सोर्स ऑफ इनकम है जो प्रतिष्ठान में और जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको खंगालने का काम कर रहे हैं, किस तरह से रिटर्न भरा जाता था और कितने इनकम है, क्या कहीं किसी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता है या नहीं है। चूँकि
भाजपा के जो नेता है उनके राजधानी में कई तरह के प्रतिष्ठान है, स्टील और आयरन की उनकी एक बहुत बड़ी जो गोदाम है, इसके बाद में शॉप है, वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और दूसरे भी उनके प्रतिष्ठान है वहाँ भी इसी तरह का रेड पड़ी हुई है इनकम टैक्स की, और लगातार अधिकारी इस बात की जो है जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ये भाजपा के कद्दावर नेता हैं और ये जो यहाँ की इंडस्ट्री है और खासतौर से व्यापारी मंडल है उनका काफ़ी अच्छा ताल्लुकात है और करोड़ों रुपए का हर साल का टर्नओवर होता है, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भाजपा के सिर्फ एक और बड़े कद्दावर नेता के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, तो इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, चाहे वो आम लोगों की बात करें या फिर जो है राजनीतिक गलियारों में देखा जाए। फिलहाल ये देखना होगा कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो किस नतीजे तक पहुंचते हैं, क्या क्या दस्तावेज उनके हाथ लगते हैं, किस तरह की क्या कोई अनियमितता सामने आती है, चाहे वो रिटर्न की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो या उनके जो बिजनेस से जुड़ी हुई है, इसको लेकर के तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चूंकि बताया जा रहा है कि करीब 8 से 9 घंटे लग सकते हैं पूरी इस रेड में, अभी तक 3 से 4 घंटे का वक्त गुजरा है, और चूंकि सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो ज़्यादातर ये है कि सभी प्रतिष्ठानों में बाहर पुलिस जवान तैनात हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ना तो मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की अनुमति है। इस तरह से जब अधिकारी सामने आएंगे और जो दस्तावेज आएगा किस तरह की कार्रवाई हुई है वो तस्वीर सामने आएगी, और ये माना जा रहा है कि करीब 8 से 9 घंटे तक ये रेड जो है ये लगातार चलती रहेगी। जी रामानुज, और इस तरीके से अचानक से इनकम टैक्स का छापे मारना और किस सूचना पर क्या मेन रीजन है इस तरीके से, क्योंकि देहरादून में हड़कंप मच गया है और जाहिर तौर पर क्या कुछ बड़ा खुलासा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज कर सकता है इस छापेमारी के बाद? अभी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनकी अलग अलग टीमें हैं और उसमें जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन टीम होती है इसका इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की, तो ये माना जा रहा है चूंकि जो बैंकिंग होती है खासतौर से उनकी उसी के ऊपर नज़र रहती है, क्या कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें किसी तरह की अनियमितता हो सकती है, या जो कैश है वो कैश कितना है, किसी तरह का कोई लार्ज स्केल पर किसी चीज़ की परचेज की गई है उसको देखने का है, तो ये पूरे जो बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो हाथ लगते हैं, और जो एसेट्स होता है कि कितनी उनकी आमदनी हुई है और किस तरह की परचेज हुई है उसको देखा जा रहा है, तो अभी ये माना जा सकता है कि चूंकि 4 से 5 घंटे का वक्त गुजरा है और यकीनन ये 4 से 5 घंटे का वक्त और लग सकता है, तो जो दस्तावेज सामने आएंगे या जो बैंक से जुड़े जो उनके डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे उससे तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये आखिर में किस तरह की रेड है और इसमें क्या क्या जो दस्तावेज हैं वो सामने आए हैं। बिल्कुल रामानुज, और इस रेड को लेकर के आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।